मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली समेत कई शहरों से भर भर कर बिहार आ रही ट्रेनें, भीड़ इतनी कि शौचालय तक पहुंचना भी मुश्किल। बिहार में छठ महापर्व शुरू हो चुका है, शहरों से भारी संख्या में भीड़ बिहार जा रही है। वर्तमान में ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि बार बार कोच में घुसने के बाद शौचालय तक पहुंचना भी मुश्किल है। पटना जंक्शन पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग दरवाजा तक में बैठकर सफर कर रहे हैं। छठ को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता सहित देश के विभिन्न शहरों से पटना जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। काफी संख्या में बाहरी प्रदेशों से लोग छठ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। पटना जंक्शन पर उतरने के बाद बसों एवं अन्य साधनों से अपने घर जा रहे हैं। वर्तमान में ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि एक बार कोच में घुसने के बाद शौचालय तक पहुंचना भी मुश्किल है। लोग दरवाजे पर बैठकर भी किसी तरह अपने घर जा रहे हैं। आने वाले लोगों का कहना है कि छठी मैया के मधुर संगीत बरबस खींच लाती है। साल में एक बार छठ के समय गांव आता हूं। दिल्ली में अपना कारोबार करने वाले छपरा के गुड्डू कुमार पटना जंक्शन पर उतरने के बाद कहा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रहकर अपना कारोबार करता हूं। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, पति पत्नी एवं दो बच्चों के साथ गुड्डू अपने गांव जा रहे हैं। गुड्डू का कहना है कि साल में एक बार छठ के समय गांव आता हूं, माँ छठ करती है, बुजुर्ग होने के कारण पत्नी का सहयोग बहुत जरूरी है, सब कुछ छठी मैया की कृपा से चल रहा है, छठी मैया की पूजा से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए 10 दिनों तक कारोबार बंद कर गांव जा रहा हूं। भीड़ की स्थिति किसी एक ट्रेन की नहीं है। गरीब रथ से दिल्ली से आने वाले गुड्डू पहले व्यक्ति नहीं है, बल्कि हजारों लोग फिलहाल छठ करने के लिए अपने अपने घर लौट रहे हैं।